नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है जिसमें कि भारत ने एक इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत की नेवी के लिए एक ऐसी चीज़ हो गई है, हमारे वैज्ञानिकों ने कर दी है, जिससे भारत का पूरी दुनिया में नाम हो गया है और भारत ने एक इतिहास रच दिया है। दरअसल दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी कड़ी मेहनत से भारत के लिए एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन का निर्माण कर दिया है। दरअसल दोस्तों, इसमें खासियत ये है कि ये एक ऐसी सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर वाली, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ये कहीं पर भी जा सकती है और इस ये पानी में रहेगी और हमारे दुश्मन को इसमें कुछ भी पता भी नहीं लगेगा कि ये सबमरीन किधर से आ गई है और ये अटैक कर देगी। ये दोस्तों बिल्कुल वैसी ज़बरदस्त चीज़ है जैसे कि आपने मिस्टर इंडिया की घड़ी देखा होगा कि वो घड़ी में गायब हो जाते थे पहनने के बाद, जो एक्टर थे, तो बिल्कुल ये वैसा ही समझ लीजिए कि है। ये पानी के अंदर रहेगी, इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी देश के लिए, और ये बिल्कुल दुश्मन के करीब चली जाएगी और इस पर जो मिसाइल लगी होगी वो लगी होगी K-15, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। अब सोचिए, किसी देश के पास चली गई, वहाँ से ये अटैक जब करेगी तो कोई भी देश हो उसके पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये मिसाइल उसके यहाँ हिट करेंगी तो ये उस वक्त बहुत ज़्यादा आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराती है जब आपके पास दो दो मजबूत देश हों आपके दुश्मन, जैसे कि एक साइड भारत के है चाइना और दूसरे साइड है आपके पास पाकिस्तान, तो दोनों के अंदर कुछ डर पैदा होना चाहिए। इसलिए ये दोस्तों बहुत ज़रूरी था भारत के लिए कि हमारे पास अब दो इस तरह की सबमरीन्स हो गई हैं, न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होंगे, एक INS अरिहंत और ये दूसरी अभी जो बनी है INS अरिघात, ये बनी है। अब दोस्तों समझना है कि भारत ने आखिर ये इतिहास कैसे रचा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले इस टाइप की चीज़ जो बनाया हुआ था, ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये उन्होंने बनाया था, जिसमें कि US, UK, रसिया, चाइना और फ्रांस, लेकिन अब उसमें भारत शामिल हो गया है, लेकिन भारत UN का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो दोस्तों, ये नॉन परमानेंट मेंबर रहते हुए जो बनाया है तो ये भारत के लिए एक इतिहास है, पूरी दुनिया में हमने एक नया कारनामा कर दिया है। ये दोस्तों इतिहास के हिसाब से तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ ये भी हमारे लिए अच्छा है कि हमारी जो वैज्ञानिक है, जो हमारे संसाधन है हमारे पास, उसको यूज करते हुए इसको बनाया है। इससे ये पता लगता है कि हमारे पास जो लोग हैं उनके पास बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत कुछ कर सकते हैं और वो देश के लिए कर भी रहे हैं, देश की सुरक्षा इससे बढ़ रही है। दोस्तों आप ऐसा समझ लीजिए कि एक साइड यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ हम एक सबमरीन को डिप्लॉय करेंगे, एक अरब सागर की तरफ डिप्लॉय करेंगे, और दोनों तरफ जब डिप्लॉय ये हो जाएंगी तो ये सोच लीजिए चाइना भी हिम्मत नहीं करेगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, और दूसरे साइड पाकिस्तान भी हिम्मत नहीं करेगा कि अटैक करने के लिए। आतंकवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, आतंकवाद तो करते रहेंगे, वो अभी चलेगा, लेकिन कोई मिसाइल लॉन्च करना हो या कुछ और बड़ा अटैक करना हो तो इसके करने से पहले 5 बार ये लोग सोचेंगे कि करें कि ना करें, क्योंकि भारत का रिस्पांस कहीं से भी उनको मिल सकता है, क्योंकि भारत के पास जो उसमें मिसाइल लगी होंगी उनकी रेंज भी ठीक ठाक है, जो उसमें एक में तो K-4 मिसाइल लगी होगी और जो K-4 मिसाइल की जो रेंज है वो करीब 4000 किलोमीटर तक है, तो ये समझ लीजिए कि किसी भी कोने पर अटैक हो जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा जो हमारे दुश्मन है। आपको दोस्तों बता दें कि इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है करीब 4000 करोड़ की, तो 4000 करोड़ रुपए लगाने के बाद अगर हमें इतनी सिक्योरिटी मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छा है। ये दोस्तों हमारे जो डिफेंस मार्केट है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, कम से कम आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद ये चीज़ हम सेल कर रहा होंगे, हम बेच रहे होंगे, जिससे भारत को एक अच्छी अर्निंग भी होगी। ठीक है दोस्तों, अब इससे जुड़ी हुई को और अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।